हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी। नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास प्लस वन सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हम न्यूमेरिकल्स आज करने जा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 केजी मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड enter a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो ना अपने इसके अंदर क्या बता रहा है, कोई बुलेट है वो आ रही है और किसी वुडन ब्लॉक के अंदर से क्या करती है, पार हो जाती है और डिस्टेंस ट्रेवल करती है 60 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि ये वुडन ब्लॉक ने उसको कितना रोका, कितनी रेजिस्टिव फोर्स लगाई। तो चलो लेट स्टार्ट। हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन है, क्या क्या दे रखा है हमें सॉल्यूशन के अंदर। गिवन हमें क्या है, मास दे रखा है बुलेट का कितना, 0.04 केजी। ओके, और आपको इनिशियल स्पीड भी दे रखी है जैसे वो ट्रेवल कर रही है, यू दे रखा है 90 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपको दे रखा और ये बोला कि जो V है वो क्या है, वो जीरो है। जीरो कैसे है, क्योंकि वो जो है कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है, स्टॉप्ड, स्टॉप लिखा हुआ। तो V आपका जो फाइनल जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करती है, 60 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको मीटर में करोगे तो आपके पास आएगा 0.6 मीटर आ जाएगा। आपने फोर्स निकालनी है कि को कितनी रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर लगेगी। चलो दैट स्टॉप। अब आपके पास क्या क्या दे रखा है, आपने ये देखो फोर्स निकालने के लिए आपके पास मास तो है बट एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसा कोई फार्मूला जिसके अंदर हमारी एक्सेलरेशन निकल जाए, तो आपको वह एक फार्मूला पता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू द 2ax। सब कुछ दे रखा है, सिर्फ एक्सेलरेशन इसके अंदर से निकल जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं। चलो वैल्यू पुट करोगे तो वी की वैल्यू आपको पता है 0, यू की वैल्यू 90 का स्क्वेयर आ जाएगी। ओके, क्योंकि 90 मीटर पर सेकेंड है, इज इक्वल टू 2 into a। s कितना दे रखा है, 0.6 दे रखा है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगी -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, ये आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसको सोल्व करना, ओके, 90 का स्क्वेयर करोगे तो इस तरीके से आपके पास एक्सेलरेशन निकल गई। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वो उसकी स्पीड कम होती जा रही है। वो जब वुडन बॉक्स से टकराई तो उसकी स्पीड कम हो, तो हमने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, इज इक्वल टू एम ए। एम आपके पास कितना दे रखा है, 0.04 इंटू ये आपने निकाल ली -6750, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 270 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी। ओके, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स है, उसको रोक रही है। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते सॉरी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या दे रखा, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। ओके, कोई क्रिकेट बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है, 150 ग्राम। इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, वो क्रिकेट बॉल कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 12 मीटर पर सेकेंड से। ओके, इज हिट बाय ए बैट, उसको बैट से हिट किया जाता है, सो दैट बॉल इज टर्न बैक विद वेलोसिटी, ताकि वो जो बॉल है वो वापस चली जाए। कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर सेकेंड से। द फोर्स ऑन द ब्लो एक्ट फॉर, और कितने टाइम के लिए वो जो बैट है उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है, 0.01 सेकेंड के लिए ऑन द बॉल। फाइंड द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय बैट ऑन द बॉल, आपने एवरेज फोर्स निकालनी है कि कितनी उसको लगेगी। चलो लेट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, मास दे रखा है। ओके, गिवन लिखते हैं, मास दे रखा है, कितना दे रखा है मास, 150 ग्राम। इसको मीटर किलोग्राम में करना पड़ेगा, 0.15 किलोग्राम हो जाएगा। ओके, आपको स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी भी दे रखी है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड दे रखी, और फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20। अब 20 वेलोसिटी फाइनल है, बट ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये वापस जा रही है, क्योंकि बैट उसको वापस भेज रहा है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। टाइम कितने टाइम के लिए फोर्स लगी थी, 0.01 सेकेंड के लिए, आपने फोर्स बतानी है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अब आपको पता है इम्पल्स वाला आपने किया था एक्सप्रेशन,
एफ मल्टीप्लाई टी, एफ एवरेज आता वहां पे, इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपको पता है एम वी माइनस एम यू, ये होता है। अब आपने एफ एवरेज बतानी है और टाइम आपके पास दे रखा 0.01, एम कॉमन आ जाएगा, वी कितना दे रखा, ओके वी कितना दे रखा आपके पास, देखो 20, ओके यहाँ पे -20 -12 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -480 न्यूटन। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई फोर्स की, -480 न्यूटन आ जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ए बैट स्मैम हिट बैट ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। उन्होंने बोला उतनी ही स्पीड से वो वापस भेज रहा है बॉल। इफ द मास ऑफ द बॉल दे रखी है डिटरमाइन द इंपल्स, इंपल्स कैलकुलेट करनी है इसके अंदर आपको। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखते होते हैं। गिवन क्या क्या आपको दे रखा है, u दे रखा है स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी कितनी 12 मीटर पर सेकंड, और उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस भेज रहा है, और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वापस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भेज रहा है, तो ये हो जाएगा। ओके मास भी आपको दे रखा है कितना है मास, ओके बॉल का 0.15 किलोग्राम दे रखा है। ओके तो ये आपके सब कुछ होती है। अब आपने इम्पल्स कैलकुलेट करनी है। आपको पता है इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स अभी मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी का मतलब मोमेंटम, एफ फाइनल इनिशियल। ओके तो फाइनल का फार्मूला एम, ओके एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। ओके तो एम कॉमन लोगे वी माइनस यू हो जाएगा, एम आ जाएगा वी, वी कितना है माइनस डालो माइनस यू, यू क्योंकि पॉजिटिव है। एम आपको पास दे रखा कितना 0.15 -24, ओके इन दोनों को सोल्व करोगे आपके पास आंसर -3.6 न्यूटन पर सेकंड, ओके न्यूटन सेकंड आएगा। ओके तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सोल्व करना। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा कि आपने ये न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर, ए मैन वेटिंग 60 kg, ओके मैन है जिसने कितना बार उठाया हुआ है 60 kg, जिसका वजन मान लो, चलो ए मैन जिसका वेट है 60 kg रन्स अलोंग द रेल्स, ओके आगे दौड़ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 18 km/h, उसकी वेलोसिटी कितनी है 18 km/h, एंड जंप इनटू ए कार, और किसी कार में जंप करता है, ओके इनटू ए कार ऑफ मास 1 क्विंटल, जिसका मास कितना है 1 क्विंटल कार का, स्टैंडिंग ऑन द रेल, रेल्स पे वो खड़ी थी। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द रेल्स, आपने कार की वेलोसिटी निकालनी है, कार कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, क्या दे रखा आपको गिवन, गिवन के अंदर आपको दे रखा है मास, ओके किसका फर्स्ट मास उस मैन का कितना 60 kg दे रखा, ओके ये हो जाएगा। अब सेकंड आपको क्या दे रखी है वेलोसिटी, ओके वेलोसिटी किसकी उस मैन की, v1 हो जाएगा 18 km/h, तो आपको पता है 18 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड करने के लिए, तो 5 m/s मैंने बताया था, ओके किलोमीटर पर आर को चेंज करना मीटर पर सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास m2 मास ऑफ द कार भी दे रखा है कितना है 100 kg, 1 क्विंटल पता है ना कितना होता है 100 kg होता है। अब आपने क्या बताना है v2, क्योंकि कार तो वो खड़ी हुई थी ना, और बाद में वो कितना मूव गई वो बताना आपने। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करोगे, बाय अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके तो क्या होगा फार्मूला आपका, आपको पता है m1 + m2 v इज इक्वल टू दी m1 v1 + m2 v2, ये फार्मूला होता है। ओके इसके अंदर आपको पता है v2 तो 0 है, तो ये v2 ये खत्म हो जाएगा, ओनली m1 v1 बच जाएगा। ओके चलो हम करते हैं, v आपने कैलकुलेट करना, v का फार्मूला क्या आ जाएगा m1 v1 बाय में, ओके रुको एक मिनट आपको देखने रहा, चलो m1 v1 बाय में m1 + m2 आ जाएगा। इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 60
मल्टीप्लाई 5 क्योंकि 60 है, मल्टीप्लाई 5 बाय में M1 M2 का जोड़ 160 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 1.88 मीटर पर सेकंड आपका पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। ये न्यूमेरिकल आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं इस चैप्टर के। ओके, आपकी बुक आपके सभी के पास होगी आई होप। अगर किसी के पास नहीं है तो वो परचेज कर सकता है या स्कूल से मंगवा सकता है। ओके, तो ये आपने न्यूमेरिकल अच्छे से रिवीजन करने। टेक केयर।